गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज आपको कार्यशाला अभ्यास कोड नंबर 108 के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इसमें जो प्रैक्टिकल्स का काम होता है थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। प्रिय छात्रों, आपको इस समय कार्यशाला विषय कोड 108 के बारे में परिचय कराया जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है, इस विषय में प्रायोगिक कार्य किया जाता है। यह विषय स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास को बढ़ावा देता है। इसमें आपकी स्किल बढ़ जाती है, यानी हाथ का हुनर आ जाता है आप में। वर्कशॉप में आपको यंत्र मित्र बनाया जाता है। यंत्र मित्र बड़ा शब्द है, इसको व्यापक रूप में क्लास में आपको समझाया जा चुका है, आप थोड़ा समझ लीजिए। यंत्र मित्र मतलब मशीन के साथ लगे रहो आप, मशीन के मित्र बन जाओ आप। कार्यशाला अभ्यास के द्वारा आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वर्कशॉप में ज़्यादातर संस्थानों में सभी छात्रों ने इस विषय के प्रायोगिक कार्य प्रैक्टिकल वर्क संपन्न कर लिए होंगे। कतिपय छात्रों के कुछ शॉप में कुछ जॉब प्रायोगिक कार्य संपन्न नहीं हो सके हों तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। कोरोना काल के इस विश्वव्यापी लॉकडाउन में आप लॉकडाउन खुलने तक घर बैठे अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। जैसा कि मैं आपको पूर्व में भी बताता रहता हूं, आपको सजग करता रहता हूं, आपको गाइड करता रहता हूं कि प्रथम वर्ष के छात्रों को कोड नंबर 101 से लेकर 106 तक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर इत्यादि सब्जेक्टों को, अप्लाइड मैकेनिक्स को ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। 107 में जो कि इंजीनियरिंग की भाषा है, 107 ड्राइंग को इंजीनियरिंग की भाषा कहा जाता है। इसमें ड्राइंग बना बनाकर इसमें दक्षता हासिल करनी होती है। 108 में यानी इस सब्जेक्ट में वर्कशॉप में आपको रेगुलरली विभिन्न शॉप में जाकर अपने प्रैक्टिकल कार्य करने होते हैं। अब आप 108 में किसी तरह चिंता न करते हुए निम्नलिखित प्रकार से अपने समय का सदुपयोग करें। यानी इस कोरोना काल में आप घर बैठे इसमें से क्या करें, जिनके पास वर्कशॉप की फाइल तैयार करने से संबंधित पाठ्य सामग्री हो तो इसे संबंधित लिखित कार्य कर लें। यानी आप अपनी फाइल तैयार कर लीजिए। लेकिन हो सकता है कुछ छात्रों के पास सामग्री नहीं हो, अपने दोस्त से आप मिल नहीं सकते हो, ऐसी तो भी चिंता की बात नहीं। अगर आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये काम कर सकते हो। वर्कशॉप में जिन शॉप के जॉब आपने नहीं बनाए तो भी डर की कोई बात नहीं है। जब भी राज्य सरकार के आदेश से कॉलेज खुलेंगे तब संबंधित छात्रों के शेष प्रैक्टिकल कार्य पूरा करवा दिया जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, आप कोई टेंशन मत लो। जो भी जॉब बने हो आपको बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो बनवा दिए जाएंगे। वर्कशॉप में 5 शॉप होती है वैसे तो, लेकिन उनको 3 शॉप के ग्रुप में हमने बांट रखा है। जैसे पहला ग्रुप है कारपेंट्री शॉप, दूसरा वेल्डिंग शॉप एंड सीट मेटल शॉप। इन दोनों को मिलाकर एक शॉप बोलते हैं, वेल्डिंग शॉप। फाइल भी हम इस तरह बनाते हैं, 3 शॉप की 3 फाइल। तो दूसरे ग्रुप को वेल्डिंग शॉप है, जिसमें वेल्डिंग शॉप आती है और शीट मेटल शॉप आती है। फिटिंग शॉप एंड प्लम्बर शॉप, इसको हम फिटिंग शॉप बोलते हैं। अब कारपेंट्री शॉप में तो क्या करते हैं, आपको सारे साल आपको जो बनाते हैं लकड़ी के, और वेल्डिंग शॉप में वेल्डिंग करवाते हैं, दो तरह की वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। सीट मेटल में कुछ सीट का जो आपका जैसे साबुनदानी है इस टाइप का जॉब्स बनवाते हैं, या कोई ट्रे बना देते हैं, या कोई की बनवा देते हैं। फिटिंग शॉप एंड प्लम्बर शॉप में फिटिंग से संबंधित ऑपरेशंस करवाए जाते हैं। प्लम्बर शॉप में नलकारी के कार्य किए, जैसे नल पर कोई भी GI पाइप से चूड़ी बनाना है इत्यादि आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये एग्जाम में आपको 3 तरह की शॉप में जाना होता है। प्रायोगिक परीक्षा में आपको उक्त तीनों शॉप में से किसी एक शॉप, लॉटरी पद्धति दो, आपसे लॉटरी निकलाई जा रही, कोई भी शॉप आ सकती है आप तीनों में से एक में प्रायोगिक कार्य करना होता है। यानी तीनों शॉप में से किसी भी एक शॉप में जाकर आपको प्रैक्टिकल कार्य करना होता है, जो कि सारी साल किए गए कार्य के अनुरूप ही होता है। जैसे सारी साल में आपने जॉब बनाए हैं वैसा ही जॉब आएगा आज, इतना ही। आगे के ई प्रैक्टिकल्स में मैं एवं मेरे साथी आपको आपका ज्ञान वर्धन करते रहेंगे, आपका मोटिवेशन करते रहेंगे। आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा, समय का सदुपयोग करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।